हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपनी चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी के दिन इंट्राडे में मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल थर्सडे के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अभी मैंने बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में और हमें ट्यूसडे के दिन एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, और वो थी अराउंड 330 पॉइंट्स के आसपास की। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो हमें लगभग पूरे दिन ही एक रेंज के अंदर हमें मोमेंटम करते हुए देखने को मिला था। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिला, पर वो एक हमें फेक ब्रेकआउट देखने को मिला था, क्योंकि एक हमें जो ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिल रही थी 10:05 वाली कैंडल, वो एक हमें बेयरिश कैंडल देखने को मिल रही थी। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो एक हमें रेंज के अंदर ही पूरे दिन मोमेंटम करते हुए देखने को मिला, और ऐसे रेंज के अंदर हमें सिर्फ प्रीमियम डीके ही देखने को मिला होगा। और लास्ट में हमें मॉर्निंग के हाई लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिला था, जो कि था 3:25 वाली कैंडल से, पर वहाँ पे हमें क्या ही एक कंटिन्यूशन मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिलता। तो अगर अपन ट्यूसडे का समरी निकालें तो सिर्फ हमें साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है, और हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 47,598 के लेवल के आसपास की। तो ये था बैंक निफ्टी का ट्यूसडे के दिन का इंट्राडे का मोमेंटम का एनालिसिस। अब पहले चलते हैं चलिए डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसा क्या प्राइस एक्शन बना रहा है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, अपना आ गया बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और जो हमें ट्यूसडे की कैंडल देखने मिली है वो एक हमें इंटीजिशन कैंडल देखने मिली है, जिसका मतलब है डोजी कैंडल भी हमें। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है डाउनसाइड का, वो है पहले ये वाला स्विंग लेवल, जो कि है 47,280 के आसपास का लेवल, जहाँ से हमें सपोर्ट लेते हुए देखने मिला है ट्यूसडे के दिन। अगर इसके नीचे डाउनसाइड ब्रेकडाउन करता है तो सीधे फिर अपना पहला टारगेट रहेगा 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, और अगर इसको भी ब्रेकडाउन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 46,500 तक के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। वही अगर अपसाइड के मोमेंटम की अगर अपन बात करें, तो जब तक ये वाला लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा, जो कि है 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, तभी एक हमें इसके ऊपर एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, जिसमें कि फिर सीधे टारगेट रहेगा अपना ये वाला लेवल पहले, जो कि है 48,290, और फिर अपन को 48,500 के साइकोलॉजिकल लेवल तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जब तक इन दोनों लेवल्स के बीच में मोमेंटम करे बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे एक अपन को साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर बोल सकते हैं वॉलेटाइल मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस रेंज के अंदर। तो ये था डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस बैंक निफ्टी का, कि अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मूवमेंट और कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहाँ डिस्कस करेंगे कि थर्सडे के लिए बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अपन आ गए बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में। सबसे पहले अपन बात करेंगे अपसाइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। अपसाइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट करे, जो कि है 47,625 का लेवल, तो इसके ऊपर एक अपन को बुलिश मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट अपन को एक गैप जो पेंडिंग देखने मिला है वो वाला देखने को मिल सकता है, जो कि है 47,730 का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट पहले ये वाला लेवल देखने को मिलेगा, जो कि है 47,900 का लेवल, और अगर ये भी लेवल ब्रेकआउट होता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि है 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, और जो अपना फोर्थ टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 48,117 का स्विंग लेवल। अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला लेवल, जो कि है 48,255 के आसपास का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 47,625 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी तो। अब चलिए देखते हैं डाउनसाइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। डाउनसाइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करे, जो कि अराउंड 47,316 का लेवल, तो इसके नीचे एक अपन को बेयरिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन में देखने को मिल सकता है, जिसमें कि और नीचे के टारगेट्स के लिए पहले मैं चार्ट को थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि इस लेवल के नीचे अपन को बहुत दिनों बाद सस्टेन होते देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 47,176 के आसपास का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेकडाउन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल सकता है। और जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल, जो कि है 46,660 का लेवल। अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला लेवल, जो कि है 46,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 47,316 का लेवल डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है बैंक निफ्टी तो। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में मोमेंटम करे, जो कि ये वाले हैं, तो यहाँ पे अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को सिर्फ प्रीमियम डीके ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचें, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस तरह के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, जो कि है 47,625 के लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में 47,300 के लेवल ब्रेकडाउन करे, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है तो उसे भी पर मार्क करने की कोशिश करेंगे। अगर अपन डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करें और ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करें, साथ साथ 47,300 का लेवल ब्रेकडाउन करें, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। तो इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंडलाइंस और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।